माँ भगवती नौ स्वरूपों में से द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी थी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी की उपासना, भक्तों ने जब माँ भगवती को ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन करना चाहा, तो पूर्व काल में माँ भगवती ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर करके जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हो गई। सभी माताओं के जो पूजन हैं, पाठ हैं, फल तो एक स्वरूप ही होता है, लेकिन फल में भेद होता है अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार। अपनी पुत्री के लिए माता के रूप में और इष्ट के रूप में वही शिव शक्ति ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी भी उनका भी जो आराधना है, उनकी जो पूजा है, वह शिव शक्ति की पूजा जीव को मोक्ष पर्यंत, क्योंकि उनको कहा जाता है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दू और आप देख रहे हैं लुधियाना लाइव। सबसे पहले लुधियाना लाइव के सभी दर्शकों को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इस हफ्ते है जो नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, आपको बता दें कि इस बार सेकेंड नवरात्रा जो कि दूसरा नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी जी का, तो इनकी क्या महिमा है आइए जानते हैं पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी से, जो कि दुर्गा माता मंदिर बी आर एस नगर से हैं। जय माता की पंडित जी। जय माता जी। माँ भगवती नौ स्वरूपों में से द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी थी। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी जी की उपासना, भक्तों ने जब माँ भगवती को ब्रह्मचारिणी के रूप में दर्शन करना चाहा, तो पूर्व काल में माँ भगवती ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर करके जगत का कल्याण करने के लिए प्रकट हो गई और उनकी उपासना प्रारंभ हो जाती है। सभी माताओं के जो पूजन हैं, पाठ हैं, फल तो एक स्वरूप ही होता है, लेकिन फल में भेद होता है अपनी अपनी मनोकामनाओं के अनुसार। अपनी पुत्री के लिए माता के रूप में और इष्ट के रूप में वही शिव शक्ति ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट होती हैं। उनकी भी उनका भी जो आराधना है, उनकी जो पूजा है, वह शिव शक्ति की पूजा जीव को मोक्ष पर्यंत, क्योंकि उनको कहा जाता है भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए आराधना करता है तब भी उसको भुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति माने इस श्लोक में जो भी जीव की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्णता करना, अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति कराना, यह माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ये फल है पूजन का और यह स्वरूप है उनका। पंडित जय। सो दोस्तों ये थे पंडित रामिक द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी का जी को व्रत है किस प्रकार से रखना चाहिए और इसके पीछे क्या महिमा है। सो लुधियाना लाइव की पूरी टीम की तरफ से आप सबको एक बार फिर से नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन हरजीत के साथ हरदीप बुआ को दो इजाजत। जय माता दी।